रामविलास यादव, मैं आज आपको BIL में जो पुष्पक लगता है जिससे हमारा डेटा नोक में जाता है वो कैसे लॉगिन होता है और उसकी कैसे सेटिंग होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा BIL का ये लगा हुआ है पुष्पक, इसको लॉगिन करने के लिए हम लैन केबल लगाएंगे इसके पोर्ट में। लैन केबल लगा दिया, अगर लैन केबल कनेक्टेड है तो ये हमारी लाइट जल जाएंगी। अब हम अपने लैपटॉप पे आते हैं, लो टॉप पे आ गए, किसी भी ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। तो हमने ये लॉगिन कर लिया है, ये हमारा होम पेज है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये हमारा होम पेज है सारा। ये इधर हमारा जैसे एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है तो एयरटेल दिखा रहा है, ये हमारा GSM वगैरह साइट ID वो सब दिखा रहा है, ये हमारा होम पेज हो गया। दूसरा है इसमें ऑप्शन हमारा अलार्म, तो जो जो अलार्म एक्टिव होंगे इस टाइम हमारे नोक में BIL के में, ये डोर ओपन, मेंस फेल और साइट ऑन बैटरी का अलार्म एक्टिवेट है, यही जा रहा है वहाँ पे। दूसरा हो गया मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या है सारी रीडिंग, जैसे टेम्परेचर कितना हो रहा है, साइट वोल्टेज कितना है 44.29 है, आई लोड कितना है, मेंस फ्रिक्वेंसी जैन का है, ये सारा जैन रन आवर कितना है, मेंस रन आवर कितना है, ये सारा हमारा मेजरमेंट हो गया। ऑपरेटर का है, चैनल वाइज DCM कितना है, 1 है 2 है, ये सारा हो गया। दूसरा हो गया इसमें सेट, ये तो हमारा हो गया। दूसरा हो गया इंटरफेस, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इंटरफेस में जाएंगे, साउथ 1 डिवाइस में जाएंगे। अगर ये हमारा RS232 कनेक्टेड ओके नहीं है तो कोई भी डेटा नोक में नहीं जाएगा, हमारी साइट कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि ये कनेक्टेड ओके है या नहीं है, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। दूसरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन, इसकी सेटिंग करने के लिए साइट साइट में जाएंगे, जैसे साइट ID है, यहाँ साइट ID, जो भी साइट नई साइट है या दूसरी साइट है पुष्पक इंस्टॉल करना है तो यहाँ साइट ID डाल देंगे, साइट नेम डाल देंगे, ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, एड्रेस डाल देंगे। और प्रोडेट एक्टिविटी में प्री डेटिंग में आप 60 मिनट करेंगे और भारतीय एस करके सबमिट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी साइट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दूसरा हम चेक करना है कि हमारा डेटा नोक में सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सिस्टम इवेंट लॉग पे क्लिक करेंगे। ये हमारा नोका डेटा नोक का दिखा रहा है, एक दो बार फेल भी हुआ है, बाकी गया भी है, तो वो होता रहता है, कभी फेल हो जाता है कभी चला जाता है। दूसरा है GSM इवेंट लॉग, इसमें हमारा इसमें भी फेल हुआ है, PPT अटेम्प्ट टू कनेक्ट भी हो रहा है, इस तरह से हमारा कभी फेल हो जा रहा है कभी कनेक्ट हो रहा है, यानी प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन कभी कभार कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, उसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। इस तरह से हमारा ये सारा पुष्पक का हो गया। ये पुष्पक कैसे काम करता है, क्या सेटिंग करना है, हमको ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ हमको साइट कॉन्फ़िगरेशन करना है और हमको कुछ सेटिंग नहीं करना। अगर इसमें जैसे सेटअप अगर अपलोड करना है, नया पुष्पक है सेटअप अपलोड करना है, तो अपलोड में जाएंगे हम, फ्रेमवेयर में जाएंगे, पुष्पक में जाएंगे और यहाँ से चूज फाइल कर लेंगे जहाँ भी हमने रख रखा है। अभी मैं इसमें नहीं डालूँगा कि ऑलरेडी वर्किंग में, तो मैं दोबारा से इसको अपलोड नहीं कर सकता हूँ। दूसरा एक सेटअप फ्रेमवेयर हो गया, सेटअप और डालना है, एक फ्रेमवेयर हो गया सेटअप, इसको भी इसी तरह से पुष्पक पर क्लिक करेंगे, इसको भी चूज फाइल करेंगे और इसको भी डाल देंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे, जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे सपोज ये करना है ओपन कर देंगे, तो इसको भी मैं नहीं डालूँगा अभी क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सही से वर्किंग कर रहा है, तो हम इसको नहीं छेड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज ये पुष्पक का हो गया। थैंक यू।